छपाक फिल्म के विरोध को समाजवादी पार्टी ने भाजपा का षड्यंत्र बताया है। फिल्म देखने के बाद समाजवादी कार्यकर्ताओं ने शिरोज हैंग आउट कैफे पहुंचकर एसिड अटैक सर्वाइवर्स को सम्मानित किया। इसके साथ ही योगी सरकार पर भी गंभीर आरोप लगाए। शुक्रवार का पूरा दिन छपाक फिल्म के नाम रहा। शुक्रवार को फिल्म रिलीज हुई तो भाजपा विरोधियों के निशाने पर आ गई। जेएनयू में दीपिका पादुकोण के जाने के बाद से ही फिल्म छपाक विवादों में आ गई थी। सोशल मीडिया पर फिल्म को लेकर तरह तरह की अफवाहें फैली थी। फिल्म के विरोध में भाजपा के बयान वीरों के बयान सुनकर भला सपा मुखिया कैसे खामोश रह जाते। भाजपा नेताओं के बयान के बाद सपा ने पलटवार किया और अपने कार्यकर्ताओं से फिल्म देखने की अपील कर डाली। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने लखनऊ में कार्यकर्ताओं के लिए पूरा हॉल बुक करा दिया और कार्यकर्ताओं के साथ फिल्म देखी। दूर से बात कीजिए, इन्फेक्शन हो सकता है। सब प्लीज। अखिलेश यादव ने जहां लखनऊ में कार्यकर्ताओं के साथ फिल्म देखी तो आगरा में सपा कार्यकर्ताओं ने अलग अलग सिनेमा हॉल में फिल्म देखी। फिल्म देखने के बाद सपा कार्यकर्ता सीधे सिरोज हैंगआउट कैफे पहुंचे, जहां सपा कार्यकर्ताओं ने एसिड अटैक सर्वाइवर्स को सम्मानित किया। इस छपाक फिल्म का विरोध कर रहे हैं, उसी के अंतर्गत आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी श्री अखिलेश यादव जी ने लखनऊ में एक हॉल फ्री करके पिक्चर दिखाने का काम किया। उसी के अंतर्गत हम लोग आज शहरों गए, हमने अपनी जो एसिड अटैक हमारी बहनें हैं उनका स्वागत किया, सम्मान किया और इस बात के लिए सम्मान किया कि इतना बड़ा हमला होने के बाद, इतनी ज़िंदगी उलट पलट होने के बाद वो दुनिया में अपना कंधे से कंधा मिला के संघर्ष कर रही हैं, अपना जीवन यापन कर रही हैं। उन पर अगर जो कोई फिल्म बनी है, ऐसे लोगों का भी ये लोग विरोध करेंगे तो फिर किस तरीके का काम होगा, कैसे होगा, ये जनता देख रही है और जान रही है। मैं धन्यवाद दूंगा अखिलेश यादव जी का जिन्होंने आगरा में उनको जगह देने का काम किया, नोएडा में किया और लखनऊ में बहुत पॉश इलाके में ताज होटल के पीछे शहरों उसको जगह देने का काम किया। सिरोज हैंगआउट कैफे पहुंचे सपा कार्यकर्ताओं ने भाजपा और योगी सरकार पर जमकर भड़ास निकाली। सपा शहर अध्यक्ष वाजिद निसार ने योगी सरकार पर आगरा के सिरोज हैंगआउट कैफे को बर्बाद करने का आरोप लगाया है। छपाक जो फिल्म का पहला शो था और आज हमने TDI मॉल में उसको देखा और हमें मौका मिला कि अपनी सारी बहनों के साथ जो है मिलकर नहीं, उनका मान सम्मान स्वागत भी हमने किया। कैब पे आज आकर नहीं, हमने इसको जो है पूरे देश के अंदर जिस चीज़ का विरोध हो रहा है और वो जो है दीपिका जो है हीरोइन के ऊपर इतना जो है तुल देकर नहीं, भारतीय जनता पार्टी लोगों ने एक इशू बनाया, उसको हमने लोगों के अंदर से दिल में से वो चीज़ें फालतू जो भरने का काम किया उन्हें लिकाने का काम किया है। आज शहर के और ज़िले के तमाम नागरिक और सम्मानित बुद्धिजीवियों ने उस फिल्म को देखने का काम किया है। उससे अगर कोई देखेगा तो उसे लगेगा कि सामान परिवार की बच्चियों के ऊपर जो एसिड फेंका जाता है, इस एसिड में कोई आज तक कोई उद्योगपति की बेटी नहीं है, इसमें कहीं पैसे वाली की बेटी नहीं है, सामान परिवार के ही बेटियों को क्यों चुन चुन के ना ही जो है चुना जाता है। इसके लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने पहले भी सम्मान किया, हमेशा करते रहेंगे और उनके कार्यकर्ता भी। आपको बता दें कि सपा सरकार के दौरान अखिलेश यादव ने आगरा के सिरोज हैंगआउट कैफे का दौरा किया था, तब अखिलेश यादव ने एसिड अटैक सर्वाइवर्स के साथ 2 घंटे बिताए थे। साथ ही आगरा सिरोज हैंगआउट कैफे को भव्य रूप देने की बात भी कही थी, लेकिन यूपी में सरकार बदलने के बाद सिरोज हैंगआउट कैफे पर बुलडोजर चला दिया गया। इसी को लेकर सपा लगातार योगी सरकार पर हमलावर बनी हुई है। योगेश त्यागी, सी न्यूज, आगरा।